आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। पहला देख लेते हैं कि प्रिकली हीट मतलब क्या होता है। प्रिकली हीट का मतलब होता है घमौरी, जो आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं। इसे पिंपल भी लोग कहते हैं, निकल जो घमौरी का सही वर्ड होता है प्रिकली हीट ही कहलाता है। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे घमौरी हो गई है, आई हैव बीन सफरिंग। ये आई हैव बीन सफरिंग तब लगाते हैं जब कोई लंबे समय से हमें कोई बीमारी हो। आई हैव बीन सफरिंग मतलब मैं झेल रहा हूँ, मैं बहुत लंबे समय से किसी बीमारी को झेल रहा हूँ। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम किससे, घमौरी से। मुझे घमौरी से प्रिकली हीट, मैं घमौरी से बहुत लंबे समय से घमौरी को बहुत लंबे समय झेल रहा हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम प्रिकली हीट। दूसरा वर्ड देखते हैं मोचाना। मोचाना को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन क्या नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। वर्ब में स्प्रेन होता है, नाउन में भी स्प्रेन होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे मोच आई है, आई एम स्प्रेंड। आई एम स्प्रेंड, यहाँ पे स्प्रेंड एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और तो दूसरा वर्ड देखते हैं तो कुकर खांसी। कुकर खांसी को इंग्लिश में कहते हैं वूपिंग कफ। ये कुकर खांसी जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसको जान लेते हैं। तो वो होता है बोर्डेला पर्टसिस। इसे पर्टसिस भी कह सकते हैं, पर्टसिस। से पर्टसिस भी कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। यहाँ पर देख लेते हैं। मुझे कुकर खांसी है, आई हैव बीन सफरिंग, मैं झेल रहा हूँ कुकर खांसी से फ्रॉम वूपिंग कफ। 80 साल का बूढ़ा, तीसरा वर्ड देखते हैं। 80 साल का बूढ़ा को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टोनेरियन। ऑक्टोनेरियन यहाँ पर देख लेते हैं, भाई 80 साल का बूढ़ा है, ही इज अ ऑक्टोनेरियन। आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। और ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होता है जो हमें सुनने को मिलता है। जैसे मैं खेत में काम करता हूँ, आई वर्क, यहाँ पे वर्क लिखे हैं वर्किंग, यहाँ पे वर्किंग लिखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। और यहाँ पे वर्क लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। मैं खेत में काम करता हूँ, आई वर्क इन ए फार्म होगा कि आई वर्क ऑन ए फार्म। तो याद रखिए फ्रेंड, जब भी फार्म आए, खेत आए, उसके पहले ऑन का ही प्रयोग होता है, इनका प्रयोग नहीं होता है, ना ही एट का, ऑन का ही प्रयोग होता है। तो ये सही है, ये गलत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।